दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम विजयपाल सिंह और मैं मथुरा से हूँ। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन आज मैं सेफ सॉफ और अपने सभी मेंटर्स और ये जो सिस्टम और रॉयल ड्रीमर्स टीम, इनकी वजह से मैं एक दिन आम आदमी था लेकिन आज आम नहीं हूँ, आज मैं खास बन चुका हूँ। एक दिन मैं शख्स जरूर था लेकिन आज मैं शख्सियत में कन्वर्ट हो गया हूं, और उसी बैनर तले उसी सेफ सॉफ कंपनी में, जो कि हमारी इंडिया की नंबर वन कंपनी है, सक्सेस सफो सिस्टम नंबर वन सिस्टम है और रॉयल ड्रीमर्स टीम नंबर वन टीम है, और उसके बिहाव पे आज मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप भी वहीं पर और उसी टीम में प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं, उसी में डायमंड को बनते हुए देखने के लिए आए हैं। और जब मैं डायमंड बन सकता हूं तो आप लोग भी डायमंड बन सकते हैं। यस और नो? बन सकते हैं। जिंदगी की शुरुआत एक एवरेज तरीके से की थी, लेकिन आज बताते हुए फक्र होता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहले जब मैंने कमाए थे तो मैंने 700 रुपए महीने में कमाए थे। मैं 700 रुपए महीने से लेकर के आज 8 लाख रुपए महीने कमाता हूं। वो शख्स आपसे बात कर रहा है। दोस्तों सफर की शुरुआत मैंने साइकिल से की थी लेकिन आज लग्जरी कार ऑडी A6 से चलता हूं। बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। दोस्तों सफर की शुरुआत मैं दो लोगों से बात नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं हजारों हजारों कई हजारों लोगों से माइक लेकर के बात कर सकता हूं। आज इतना अंतर आ चुका है। दोस्तों एक दिन शुरुआत की थी मैंने जीरो से, मेरी जीरो टीम थी, मैंने ज्वाइन किया था प्लान देखने के बाद, लेकिन मेरे पास टीम नहीं थी। लेकिन जीरो से शुरुआत करके आज ऑल ओवर इंडिया में मेरी 8 लाख लोगों की टीम है। तो एक दिन शुरुआत की थी, मैं डायमंड बनना चाहता था, लेकिन आज अपने साथ में सैकड़ों डायमंड बन चुके हैं। हम वो सिस्टम, वो कंपनी और उन मेंटर्स के गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, और उसमें आपको भी आ जाने का मौका मिला है। तो मैं थैंक्स बोलता हूं ऊपर वाले को, उन सभी मेंटर्स को। मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, मेरे 5 अप्लायन है, श्री राजीव चतुर्वेदी सर, कंपेरिजन नहीं कर सकते किसी का किसी से, बहुत महान आदमी है, बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ सिखाया हमको। श्री संजय जैन सर, आप जो कुछ भी आज प्लान में देखते हैं, प्लान की स्लाइड हो या ट्रेनिंग की स्लाइड हो या इस तरह का सिस्टम हमें बना के दिया कि आपको पहले प्लान करना है, फिर फॉलोअप करना है, फिर FIM करनी है, ये उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, अपने जीवन का बहुत कीमती समय लगाया और हम लोगों के लिए एक आसान और बहुत अच्छा एक रास्ते के रूप में एक सिस्टम बना करके दिया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों आज उनकी वजह से मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग उस सिस्टम पर चल करके सफल हो रहे हैं। यस और नो? हो रहे कि नहीं हो रहे? और आज तक उस सिस्टम, उस रास्ते पर जो कोई व्यक्ति चला है वो सफल हुआ है, वो सफल हुआ है। दोस्तों ओम प्रकाश सर, जो जोश के बादशाह कहे जाते हैं, उनके सानिध्य में रहकर के काम करने का मौका मिला, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको सिखाई। ग्रेवाल सर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उनका जवाब, उनके पास में उस क्वेश्चन का जवाब जरूर रहता है। इस तरह के मेंटर्स हैं हमारी हमारी जिंदगी में, और उनकी गाइडलाइन में रहकर के हमको काम करने का मौका मिला है। दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में, ऐसा बोला जाता है कि लक की बात होती है, तो ठीक है मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है। यस और नो? तो मुझे, मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी, मुझे नौकरी चाहिए थी, घर वालों ने, दोस्तों ने और जो भी रिश्तेदार थे सब ने एक ही बात बताई कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। तो नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया, नौकरी मिली भी, पढ़ाई भी की, नौकरी भी मिली, लेकिन इस सेफ शॉप में आने का जो मुझे मौका मिला, मेरे साथ में ही बीएड कर रहे थे माधव सर, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। वो समय मेरे लिए बहुत ज्यादा, उस दिन को मैं भूल नहीं सकता जिस दिन मैंने प्लान देखा था, जिस दिन मैंने प्लान देखा था, और जिस दिन मैंने फॉर्म तो बहुत सारे पहले अप्लाई किए थे,
काफी सारे फॉर्म में एड्रेस भर के और नीचे सिग्नेचर करके मैंने अप्लाई किए थे, लेकिन एक फॉर्म मैंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और ये सेफ शॉप कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मैंने किया था और उस पर भी मैंने सिग्नेचर किए थे। दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूं वो दिन था, उस दिन मुझे ये आइडिया नहीं था, उस दिन मुझे इतना विजन नहीं था, उस दिन मुझे हो सकता है ये पता नहीं हो कि मैं इतना आगे जाऊंगा, लेकिन जो मैंने फॉर्म पर सिग्नेचर किए थे वो फॉर्म पर सिग्नेचर मैंने नहीं किए थे, वो मैंने अपनी जिंदगी की जो आज चुन चुन के मुझे और मेरे परिवार को मिल रही है वो खुशियों पर सिग्नेचर किए थे, उन खुशियों पर सिग्नेचर किए थे। उस एक सिग्नेचर की वजह से, एक सिग्नेचर की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई और वो सिग्नेचर आपने भी किए हैं। यस और नो, यस और नो। दोस्तों आज का समय, आज हमें एक नहीं दो दो डायमंड्स को देखने का और सुनने का मौका है, एक नहीं दो दो डायमंड्स की डॉक्यूमेंट्री देखने का मौका है, उन्होंने जीवन में कहां से चले कहां तक पहुंचे ये देखने का मौका है, आज हमको उनको सुन करके और कुछ मैसेज लेके जाने का मौका है। मैं आपको वादा करता हूं इस बात का कि एक दिन जितने भी लोग डायमंड बने हैं उन्होंने कोई ना कोई डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड किया है और वह मुट्ठी बांधी है, वहां मुट्ठी बांधी है। मैंने 24 अक्टूबर 2004 को एक प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें ओम प्रकाश सर को डायमंड बनते हुए देखा था और मुझे लगा प्रोग्राम अटेंड करके मुझे लगा कि और कुछ हो या ना हो जिंदगी में, लेकिन एक बार जिंदगी में डायमंड जरूर बनना है, डायमंड जरूर बनना है। मैंने मुट्ठी बांधी और वादा किया अपने आप से, कमिटमेंट किया अपने आप से कि मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, डायमंड बन करके दिखाऊंगा अगर ये जिंदगी मिलती है तो मुझे वही पल वही दिन आज भी याद आ रहा है, वो समय कि आप भी यहां पर आज डायमंड सेलिब्रेशन देखने वाले हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज मुट्ठी बांध के जाएंगे, वादा करके जाएंगे और उस वादे को पूरा करके निभाएंगे, कितने लोग ऐसे हैं मैं जानना चाहता हूं, शोर मचा के बताएं, बनके दिखाएंगे। तो दोस्तों जब मेरी जिंदगी बदल सकती है मेरे साथ में और सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, जहां 200 लोग डायमंड बन सकते हैं तो 201 भी जो एक और अगले वाला वो भी डायमंड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस और नो, बन सकता है। और उससे अगले वाला एक और चाहे तो वो भी डायमंड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस और नो, बन सकता है। तो आप भी डायमंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? मैंने एक ही चीज सीखी है और वो आप जानना चाहते हैं, व्यक्ति अगर डटा रहे और काम करता रहे एथिक्स पर रह करके, सिस्टम पर रह करके, वो व्यक्ति जरूर डायमंड बन जाएगा, चाहे उसका कोई रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त फ्रेंड दुनिया में कोई बने या ना बने, लेकिन वो व्यक्ति जरूर डायमंड बन जाएगा। आप डटे रह सकते हैं, डटे रह सकते हैं, इसलिए भी जरूरी है। मैंने वीडियो में सुना था किसी सक्सेसफुल लीडर को और अपने मेंटर्स लोगों के माध्यम से मैंने सुना था कि अगर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में एक बड़ी सफलता लेना चाहता है तो वहां उसको कम से कम 4 से 5 साल का समय देना होता है, 4 से 5 साल का। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो कितना टाइम चाहिए उस विशेष प्रोफेशन के लिए? कम से कम 4 से 5 साल देने ही होंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी यह भी आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, आप कितना टाइम उसको देते हैं तो वो डॉक्टर बन सकता है। यस और नो। अगर कोई वकील बनना चाहते हैं तो भी 4 से 5 साल, 3 से 4 साल, 3 से 5 साल देने ही होते हैं। यस और नो। यदि कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो भी टाइम देना होता है। अगर कोई बहुत अपने बिजनेस में सफल होना चाहता है तो करके सीखा जाता है, व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, अपने बिजनेस की जानकारी लेता है और वो सफल बिजनेसमैन बनता है तो उसको भी कम से कम 5-7 साल लग जाते हैं। यस और नो, यस और नो। तो दोस्तों मुझे भी यही बात बताई गई कि ये सिस्टम बहुत बड़ा है, ये कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन इसको भी सीख करके किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमने नहीं सीखा, अगर हमने एथिक्स पर नहीं चले तो हम सफल हो नहीं सकते। और मुझे यहां पर बताया गया कि ये सिस्टम इतनी बड़ी ताकत रखता है कि अगर आप सपोज कीजिए कि कोई अगर टायर पंचर हो गया, ट्रक का टायर पंचर हो गया और 20 टन माल भरा हुआ है और वो टायर हमको चेंज करना है, टायर चेंज करना है तो क्या क्या कर सकते हैं? अगर 10-20 लोग पहलवान टाइप के आपके लोगों में से निकाल के, बीच में से निकाल के और उस ट्रक को उठवाएं और चेंज करें, बड़ा मुश्किल काम है। यस और नो। लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ एक जैक लगाए और जैक लगाने के बाद एक रॉड घुमा दे, अकेला ही उस ट्रक को, 20 टन के ट्रक को उठा सकता है। यस और नो। लेकिन आसानी तो है,
आसानी तो है, वो 20 टन के ट्रक को जैक के माध्यम से उठा सकता है, जो अकेला उस ट्रक को उठाने के बारे में सोच नहीं सकता बिना जैक के। जैक क्या है? जैक क्या है? सिस्टम है। लेकिन वो सिस्टम का सहारा ले, सिस्टम की अगर हेल्प ले, तो वो 20 टन के ट्रक को उठा सकता है। यस और नो? लेकिन कई लोग इस बात को जानते हैं कि वो ट्रक को उठाना तो चाहते हैं, लेकिन इतने, क्या बोलूं उनके बारे में, ऐसा कुछ करते हैं कि वो रॉड को भी घुमाना नहीं चाहते। जैक लगाने के बाद भी कम से कम रॉड तो घुमानी पड़ेगी। यस और नो? यस और नो? जहां हमारी 20 साल 25 साल 30 साल की एज हो जाती है, पढ़ते पढ़ते हमको 10,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, 25,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी, लाख रुपए की नौकरी मिल सकती है दोस्तों। लेकिन सेफ सॉप आपको 3,64,00,000 रुपए एक वर्ष में देने का वादा करती है। क्या हम रोड भी नहीं घुमा सकते? यस और नो? घुमा सकते हैं। यहां पर भाई साहब, रोड घुमाने का मतलब है प्लान दिखाओ, रोड घुमाने का मतलब है या फॉलोअप करो। लोग निकलते नहीं है, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर तू ही बैठ के सोचता रहेगा तो फिर वो क्या सोचेंगे। अरे उनको सोचने पे मजबूर कर दे, अभी भी नहीं सोच रहे तो मजबूर कर दे। एक दिन सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये तो साइकिल पर चलता था, आज ऑडी में चल रहा है, इसको उसको तो आइडिया ही नहीं होगा। उसका फ्यूज तो तब उड़ जाएगा जब यूट्यूब पे आपका वीडियो देख रहा होगा। उसका फ्यूज तो तब उड़ जाएगा, उसका फ्यूज तो तब उड़ जाएगा जब आपकी पूरी सोसाइटी चेंज हो गई होगी। उसका फ्यूज तो तब उड़ेगा, उसको सही मायने में अकल तो तब आएगी जब आप डायमंड बन रहे होंगे और वो पीछे वाली सीट पर बैठ करके आपको डायमंड बनते हुए देख रहा होगा। और ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम साथ में है, सिस्टम साथ में है। प्लान फॉलोअप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये बात मेरे से बोली गई और मुझे बताया गया कि फॉलोअप आपको एक बार नहीं करना, दो बार नहीं करना, तीन बार नहीं करना, जब तक करना है तब तक वो जुड़ ना जाए। कब तक करना है, कब तक करना है? सामने बिठा लो और वो दो प्रश्न पूछे, उसको समझाओ, उनके जवाब सिस्टम के पास हैं, समझाओ। आज नहीं समझेगा, जब आपकी टीम 50 की बन जाएगी उस समय समझेगा। उस समय भी नहीं समझा तो आपके पास कार आ जाएगी, उस समय समझेगा। जब आपकी छोटी कार को देख के नहीं समझा तो जिस समय आपकी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जो आप चुनना चाहते हैं, उस कार को लेके उसके दरवाजे पे हॉर्न बजाओगे तब समझेगा। समझना तो है, समझना तो है, उसको समझना तो है। यस और नो? मेरे अंदर एक ही बात रही जो सिस्टम ने बताया, मुझे सिस्टम की बात समझ में आ गई थी, मैंने बोल दिया, अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दिया कि आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। और जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे मैं करता भी चला गया। लेकिन एक बात और बताई थी कि जिस बॉल में हवा नहीं होती उससे कोई खिलाड़ी भी गोल नहीं कर सकता। यस और नो? तो जोश तो अपने अंदर भी जरूरी है। हम बाई प्रोफेशन ऐसे कोई ना तो स्पीकर हैं, बाई प्रोफेशन ना हमने ऐसा कोई बिजनेस किया है, ना हमारे घर वालों ने कोई बिजनेस किया है, हमको तो ये अचानक से ऐसा बिजनेस मिल गया है। लेकिन कोई भी चीज दुनिया में सीखी जाती है, अगर नहीं सीखे तो साइकिल भी पटक मारती है, और सीख लिया जाए तो भाई साहब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को भी इंसान ही उड़ाते हैं। यस और नो? बात सच है कि नहीं? तो आज आपको यहां से एक मैसेज लेके जाने का मौका है। आज आपको यहां सारी चीजें अपनी आंखों से हूबहू, मूवी में मैं नहीं, मूवी में नहीं, किसी सपने में नहीं, आप लोग जाग रहे हैं सारे लोग, तो हकीकत में यहां पर आप डायमंड बनते हुए देखेंगे, हकीकत में आप डायमंड बनते हुए देखेंगे। और वो पल, वो समय आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उस समय आप मुट्ठी बांध सकते हैं जब शरद जी और
शशिकला मैडम जी ये लोग डायमंड बन सकते हैं, तो आप यहां पर बैठा हुआ आज मुझे पक्का भरोसा है कि आप भी मुट्ठी जरूर बांध के जाएंगे और एक दिन जरूर डायमंड बनेंगे, जरूर डायमंड बनेंगे। और ये मंच आने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति 2 से 3 साल डट के जरूर काम करेगा और जरूर एक दिन डायमंड बन के दिखाएगा। दिखाएंगे सारे लोग, दिखाएंगे। तो दोस्तों आज जो व्यक्ति हमारे बीच में डायमंड बनने वाले हैं, डायमंड एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी रिकॉग्निशन होती है कि जब जिस दिन व्यक्ति जुड़ता है, जिस दिन ज्वाइन करता है, उसी पहले दिन से हम उनको डायमंड बनने के लिए उनके सपना बनाना शुरू कर देते हैं। हर कोई व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता है? यस और नो, चाहता है कि नहीं चाहता है? दोस्तों डायमंड बनना जिंदगी बदलना, डायमंड बनना मतलब जिंदगी बदलना, डायमंड बनना मतलब हमारी जिंदगी में पैसा आना, डायमंड बनना हमारी जिंदगी में समय का होना, डायमंड बनना हमारी जिंदगी में हमको बहुत सम्मान मिलना, डायमंड बनना लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनना, लोगों के लिए वो जो लोग सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं उनको भी मोटिवेट करना कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं।